राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव का दौर जारी है। उमस व गर्मी के साथ ही गर्म हवाओं ने इंसानों के साथ जानवरों का भी हाल बेहाल कर दिया है। वहीं रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जंगल सफारी की ओर से वन्य प्राणियों के बंद बाड़े में कूलर लगाए गए हैं। जंगल सफारी डायरेक्टर गणवीर धमशील ने बताया कि जंगल सफारी और जू में गर्मियों के मद्देनजर वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए हमने समुचित व्यवस्थाएं की है, जिसके अंतर्गत हमने ग्रीन नेट लगाया है, कूलिंग सिस्टम को बेहतर किया है और उन्हें हर जगह पानी उपलब्ध कराने के साथ ही उनके डाइट में भी बदलाव किया है। गर्मी को देखते हुए हमने खास प्लान बनाया है और उसी हिसाब से सतत निगरानी भी की जा रही है। जंगल सफारी और जू में नया रायपुर में हम लोग गर्मियों को ध्यान में रखते हुए वन्य प्राणियों की देखभाल के लिए हमने समुचित यहां व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत हमने जो है ग्रीन नेट का वहां पे जो है उनको कवर किया है। वह कई सारे हमारे इन्क्लोजर्स है उसमें, उसके साथ साथ में हम लोग उनके कूलिंग सिस्टम्स है उसको इम्प्रूव किया गया है और साथ साथ में वाटर जो है हर जगह उनको उपलब्ध रहे। उसके साथ साथ में हमारे जो एनिमल्स है उनके डाइट में भी चेंजेस हमने किया है कि उनको थोड़ा वाटर एनरिच जो डाइट है उसको हमने बढ़ावा उसमें दिया है और लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी हम लोग उसमें कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो है ऐसी स्थितियां जो है निर्माण ना हो। हाँ, जैसे शेर के लिए हम मुख्य रूप से उनको मीट जो है वो पसंद रहता है, मटन मीट जो है, तो उसके हिसाब से उनको डाइट है। और प्लस जैसे हर्बी और जो है हमारे जैसे जो शाकाहारी जानवर है उनके लिए उनका डाइट अलग प्लान रहता है, जिसमें जैसे कुछ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, ग्रासेस है और कुछ जो है ऐसे जो न्यूट्रिशियस आहार है जैसे नट्स वगैरह है वो लोग भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उनका डाइट जो है प्लान पूरा हमारे जो वेटनेरियन से वो पूरा प्लान करते हैं और उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से फिर हम लोग उनको डाइट जो है उपलब्ध कराते हैं। खास करके जैसे अभी एनिमल्स के लिए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जैसे उनके जो क्या बोलेंगे उनका जो मिनरल्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स की कमी ना हो, वाटर इंटेक जो है ज्यादा रहे एनिमल्स में, उसके लिए हम लोग ज्यादा उसमें ध्यान दे रहे हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम उसमें ज्यादा रहता है। और एनिमल केयर में हम लोग लगातार उसमें निगरानी में रख रहे हैं, जो कीपर्स है उनको हम लोग वेल ट्रेंड कर रहे हैं ताकि कीपर्स क्योंकि उनके साथ में 24 आवर्स रहते हैं तो उनके निगरानी हमने जो है बढ़ाई है अभी। हाँ बिल्कुल, उसमें भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं लेकिन अभी ऐसी कोई घटना तो हमारे यहाँ पे नहीं है और हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है 24x7 आवर्स कर रहे हैं। हाँ मतलब अभी अगर हम बात करें तो जैसे पर्यटक क्योंकि वैसे भी बाहर लोग नहीं निकल रहे ज्यादा तो निश्चित रूप से मतलब लोग अभी थोड़ा कम आ रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए भी जो है एक अट्रैक्शंस बना रहे हैं ताकि लोग जो है यहाँ पे वीकेंड में खास करके आ सके और जब भी उनको मौका मिले, जब भी मौसम थोड़ा सा ठीक बने तो आने के यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं।